रिजल्ट हो चुका है डीएलएड का जारी। इनके आपको प्राइमरी लेवल के शिक्षक बनने के लिए आपके लिए काफ़ी अच्छी राह हो चुकी है। इससे क्या होता है कि अभी तक का ये हो रहा है कि डीएलएड करने के बाद 2 साल के बाद आपको प्राइमरी लेवल में शिक्षक भर्ती बनने का मौका मिल रहा है। तो अंडर रिजर्व कैटेगरी में देखते हैं, फीमेल में 129 और यहाँ पर टोटल 142 की अंडर रिजर्व कैटेगरी जो जनरल मेल कैंडिडेट हैं, और एससी यहाँ पर एससी में देखते हैं 118 गई है और जनरल में 124 गई एससी का, ठीक है, एसटी का। ओबीसी में देख सकते हैं फीमेल का 124 है और वहीं यहाँ पर ओबीसी जनरल में 132 गई हुई है। तो इस बार काफ़ी ठीक ठाक है। पिछली बार जिलेवार निकल रही थी यहाँ पर, इस बार आपका यहाँ पर मेरे ख्याल से एक ही निकाल दिया इन लोगों ने पूरे जिले वाइज, ठीक है। जिलेवार तो निकाली गई है रिजल्ट, सिलेक्शन 50-50 होना है, बाकी आपका यहाँ पर इस तरह का मिल जाएगा इसमें। लेकिन कट ऑफ जो है पूरे ऑल उत्तराखंड बनी ही मेरे ख्याल से इसमें इस बार का, जो कि देखते हैं अदर वाले ये है। ऐसे आपको साइंस वाला अलग मिलेगा, साइंस के अलावा जो भी कैंडिडेट आएंगे वो अदर में आएंगे। अदर की लिस्ट ये आप लोग देखते हैं, रोल नंबर यहाँ पर, एप्लीकेशन नंबर देखते हैं, फादर नेम यहाँ पर देखते हैं, और कौन सी कैटेगरी है, डेट ऑफ बर्थ पूरा पूरा दिखे हैं, और कितने कितने नंबर आ रखे हैं वो भी आप देखते हैं। 151 नंबर यहाँ पर हाई स्टे रखा गया है। तो इस बार कट ऑफ कम गई है, पिछली बार और ज़्यादा जाती थी क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज भी होता था, बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ चली जाती थी आपकी। तो रिजल्ट चेकआउट कर सकते हैं अपना नाम वाइज आपका जो है प्राइमरी लेवल शिक्षक बनने का, यहाँ पर जो है जो भी सपना देख रहे थे उनके लिए सपना पूरा हो जाएगा 2 वर्ष के बाद से, ये डीएलएड का कोर्स करने के बाद से आपका जो है प्राइमरी लेवल बन सकते हैं। पूरा डिटेल देखते हैं, इसका पीडीएफ जो है आपको यूपीएससी की ऑफिशियल साइट वहाँ से आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका पूरा रिजल्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी पीडीएफ आपका टेलीग्राम में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं।